राजनांदगांव पुलिस ने ट्रकों से चावल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि ट्रक ड्राइवर खुद निगरानी करके चोरी की घटना को अंजाम देता था। राजनांदगांव कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ट्रक से चावल चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली TI एमन साहू ने बताया कि इसमें मुख्य आरोपी उमेश साहू ट्रक ड्राइवर है। वह हाईवे किनारे चावल से भरे खड़े सैकड़ों ट्रकों की निगरानी करता था। जिस ट्रक में ड्राइवर रात में नहीं रहते थे, उस ट्रक के बारे में जानकारी अपने साथियों को देकर मोटरसाइकिल और ई रिक्शा में चावल को लोड कर चोरी की घटना को अंजाम देता था। सभी आरोपी लखोली क्षेत्र के हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चावल के अलावा ई रिक्शा और मोटरसाइकिल जब्त की है। कुछ दिनों से थाना कोतवाली को शिकायत मिल रही थी कि हाईवे पे जो ट्रकें खड़ी होती है, जिसमें जो FCI के लिए चावल लोड करके आती है, उसमें चोरियां हो रही है। जिस पर हम लोगों ने लगातार वहां पे FIR करने के बाद टीम लगा रखा था। आज हम लोग को 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है, जिनके कब्जे से लगभग 101 बोरी चावल बरामद हुआ है। अभी 4 को विधिवत हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं और आज माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं, और विवेचना के क्रम में और कोई तथ्य आएगा तो आप लोग को शेयर करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।